गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ सोशल साइंस। सो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। बाय इट्स नेम यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज अबाउट पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। गरीबी मीन्स व्हेन अ पर्सन से इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज बेसिक नेसेसिटीज। जब एक पर्सन अपनी बेसिक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहा, ये नहीं कह रही कि उसे एसी नहीं मिल रहा, ये नहीं कह रही उसे बंगला नहीं मिल रहा, इट मीन्स है कि उसे की बेसिक नेसेसिटीज मतलब फूड, शेल्टर, यू कैन से दैट सैनिटेशन फैसिलिटीज, उसकी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो उस पर्सन की, तो मीन्स दैट सिचुएशन इज कॉल्ड पॉवर्टी। नंबर वन पॉइंट, पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। पॉवर्टी का मीन्स है भूख शांत ना होना एक पर्सन की, उसके पास रहने के लिए शेल्टर नहीं होना, शेल्टर मीन्स घर। नंबर टू, इट इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, मीन्स दोज पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अफोर्ड द फीस ऑफ स्कूल, मिनिमम फीस ऑफ स्कूल। नंबर थ्री, कांट अफोर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट, वी कैन से दैट मेडिकल डॉक्टर ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। नंबर फोर, लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। क्लीन वाटर की प्रॉब्लम हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज भी उनके पास प्रॉपर ना हो, लैक ऑफ रेगुलर जॉब मतलब डिसेंट लेवल की जॉब नहीं हो उस पर्सन के पास। तो जिस पर्सन के पास ये सारी चीजें नहीं है, मीन्स उसकी सिचुएशन क्या है, दैट पर्सन इज लिविंग इन पॉवर्टी, वो पर्सन गरीबी में रह रहा है। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द पॉवर्टी, वी कैन से दैट कि ये ऐसी डायमेंशंस है जिससे हम ये देख सकते हैं कि पर्सन इज लिविंग इन पॉवर्टी और नॉट। सो वी हैव कवर्ड द टॉपिक पॉवर्टी एंड इट्स डायमेंशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉवर्टी लाइन एंड हाउ इट इज एस्टिमेटेड। पॉवर्टी लाइन मीन्स, पॉवर्टी लाइन एक ऐसा बेंचमार्क है, एक ऐसी लाइन है जो हमें बताता है, विच टेल्स द पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड हु आर लिविंग अब अ पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है विच टेल्स अस, मीन्स जैसे एक लाइन है जिसमें हमने सेट किया हुआ है, हमारा बेंचमार्क है, हम उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं जो हमें बताता है कि इस लाइन से ऊपर वाले अब पॉवर्टी लाइन है, इस पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो पॉवर्टी लाइन इज द लाइन विच डिवाइड्स अ पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड पीपल हु आर लिविंग अबव पॉवर्टी लाइन। तो BPL means below poverty line, APL means above poverty line. Here are two methods by which we can decide poverty line, expenditure method and income method. Expenditure method में हम क्या करते हैं, which is known as, जिसमें जैसे हम खर्चा करते हैं, सबसे पहले हम minimum nutrition food requirement, हमारी basic need क्या है, food, तो हम minimum जितनी हमारी requirement है उसको हम estimate करते हैं। अब फूड को ऐसे तो एस्टिमेट करके हम पॉवर्टी लाइन मेजर नहीं कर सकते, तो उस फूड रिक्वायरमेंट को हम चेंज करते हैं कैलोरीज में। कैलोरीज मतलब हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें पता है, डॉक्टर भी बताता है और हम थिंग्स में भी लिखा होता है, इससे हमें इतनी कैलोरीज मिल रही हैं, तो उस कैलोरीज को हमने किस में कन्वर्ट किया है, मनी में। उस मनी के अंदर हम और भी थिंग्स ऐड कर, जैसे क्लोथ्स हैं, हमारी बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ हैं, उन बेसिक नेसेसिटीज को हम ऐड कर देते हैं और फिर हमारे पास आ जाता है टोटल अमाउंट। जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट की वैल्यू थी उसको भी मैं मनी में कन्वर्ट किया है, क्लोथ्स और अदर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी मनी में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास आ गई है पॉवर्टी लाइन, जो हमें ये बताती है जो इस इतने मनी से कम खर्च करेगा, जिनके पास इतने भी पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, वो हैं द फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बता देती हूँ मैं आपको नॉर्मली कि जो रूरल एरियाज में हैं, मिनिमम न्यूट्रिशन फूड रिक्वायरमेंट दैट इज 2400 कैलोरीज एंड इन अर्बन एरियाज दैट इज 2100 कैलोरीज, मीन्स 2100 कैलोरीज। अब आप कहोगे रूरल एरियाज में ज़्यादा है, अर्बन एरियाज में कम है, क्योंकि रूरल एरियाज के लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं मेनली, तो उनकी कैलोरीज ज़्यादा है। तो दोबारा बता देती हूँ एक बारी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक मिनिमम न्यूट्रिशन फूड रिक्वायरमेंट, उसकी वैल्यू को हम एस्टिमेट करते हैं, उसको फिर कैलोरीज में चेंज करते हैं
उस कैलोरीज को हम मनी में चेंज करते हैं, मनी के अंदर हम अदर रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, फिर दोनों की वैल्यूज, इसकी वैल्यू कैलोरीज की वैल्यू मतलब और अदर रिक्वायरमेंट्स, इन दोनों को हमने मनी में कन्वर्ट किया है, जिससे हम डिसाइड करते हैं हमारे पॉवर्टी लाइन। एंड अदर मेथड इज इनकम। इनकम मेथड मतलब आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कितना मनी हम अर्न कर रहे हैं। मिनिमम पर कैपिटा इनकम। रूरल एरियाज में अगर एक पर्सन की पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन इनकम। पर पर्सन इनकम का मतलब होता है हमारी जितनी भी नेशनल इनकम है, अगर हम उसको टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड करें तो हमारी पर कैपिटा इनकम आती है। पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन इनकम, कि एक पर्सन की कितनी इनकम है। तो अर्बन एरियाज में हमने लिए हैं 849.6 एंड रूरल एरियाज में दैट इज 672.8। जो फैमिलीज इनसे भी कम खर्च करती हैं, इन अर्निंग से भी कम खर्च करती हैं, तो उन फैमिलीज को हम कंसिडर करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। सो देर आर टू मैथड्स, एक्सपेंडिचर मैथड, इनकम मैथड, विच डिसाइड्स और विच टेल्स अबाउट अ बेंच मार्क विच हेल्प अस टू जस्टिफाई द पर्सन हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड द पर्सन हु आर लिविंग सॉरी अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। सो दीज आर द टू मैथड।